हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का आपके चैनल में स्वागत है। और दोस्तों देख लो, आज मैं पढ़ाऊंगा आपका कुछ क्वेश्चन, आपका एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ प्रोबेबिलिटी है और कुछ आपका इंटीग्रेशन का। सारे क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ ठोकेंगे। और साथ में चैनल पर नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और याद रखना, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई, जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें जिसमें इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का तहलका का पूरे इंटीग्रेशन को ठोक बजा देंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी वेज कैन बी पार्टी ऑफ फोर मैन एंड फोर वुमेन बी सिलेक्टेड एज सर्कुलर टेबल सो दैट नो टू वुमेन्स आर सीटेड टूगेदर। देखो अब बोल क्या रहा है कि आपका एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, जिसमें चार मेन ठीक है ना, जिसमें क्या आपका चार मेन है ना, वो सीट कर रहा है। कैन ए पार्टी फोर मैन एंड फोर वुमेन सीटेड ऑन द टेबल। आठ ले लो, एक दो तीन चार, थोड़ा सा डिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है, दो 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 चार छ दो आठ, ठीक है, आठ देखो मेन हो गया। अब इसमें कह कह रहा है कि आपका टू मैन, कोई भी दो को लेडीज और जेंट्स एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, मतलब फोर एंड नो टू वुमेन्स आर सीटेड टुगेदर। देखो जब भी ऐसा सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन आएगा ना, आपको एक ही फंडा याद रखना है, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या आपको पहले दे गया है क्या फोर मेन का, तो फोर फैक्टोरियल, और ओमेन का बोल रहा है कि कितना ओमेन जो होगी वो एक साथ नहीं बैठ सकती है, दो ओमेन एक साथ नहीं बैठ सकती है। तो हमेशा याद रखना जो भी नंबर दे रखा होगा फोर फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल। अब पूछो कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है सर्कुलर टेबल का, सर्कुलर टेबल का होता है क्या, मेन प्लस ओमेन की बात करें ना, तो आप एक एन फैक्टोरियल लोगे और एक एन माइनस वन फैक्टोरियल लोगे, ठीक है ना, एक एन फैक्टोरियल लोगे एक एन माइनस वन फैक्टोरियल लोगे। यहां पर टू वुमेन्स आर नो टू वुमेन्स आर सीटेड टूगेदर, दो औरत जो है एक साथ नहीं बैठ सकती है, इसलिए मैंने वुमेन को यहां पर एन माइनस वन किया। वुमेन भी तो आपका फोर ही है, तो फोर माइनस वन कर दिया थ्री फैक्टोरियल। अगर यहां पर एट होता है एट माइनस सेवन फैक्टोरियल कर देता, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इन एन माइनस वन फैक्टोरियल जिसको बोलेगा कि सीट एक साथ नहीं बैठ सकता उसको आप एन माइनस वन फैक्टोरियल करोगे, बाकी को एन फैक्टोरियल करोगे। तो यहां पर देखो मेन का फोर फैक्टोरियल और वुमेन का नहीं बैठ सकती दो औरत एक साथ, इसलिए फोर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी योर ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम हैव 53 संडे। अब देखो ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में सीधा आएगा ना आपकी, हो जाएगी। ऑर्डिनरी ईयर पूछ रहा है, देखो अगर लीप ईयर पूछता ऑर्डिनरी ईयर पूछता, देखो ऑर्डिनरी ईयर के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 365 को। देखो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा आपका, जल्दी बताओ रिमाइंडर क्या बचा, जल्दी से कमेंट सेक्शन लिखो, रिमाइंडर क्या बचा, वन बचा ना रिमाइंडर। तो अभी तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब वन बचा गुरुजी इसको रिमाइंडर, तो हम कैसे कर सकते हैं। अबे भैया सिंपल है, देखो रिमाइंडर एक बचा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, रिमाइंडर जैसे ही एक की बात करे बगल से ट्रेन भी नहीं छोड़ता हमें, जाने दो भैया को, बहुत जल्दी है उसको, जाने दो। चलो देखो रिमाइंडर एक बचा तो इसका, देखो रिमाइंडर एक बचेगा तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, किसका ऑर्डिनरी ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1/7 हो जाएगा। अगर यहीं पे लीप ईयर बोलता
लीप ईयर तो क्या हो रहा था, रिमाइंडर आपका टू बचता क्योंकि यहाँ पर 366 हो रहा था, तो रिमाइंडर क्या बचता आपका, रिमाइंडर आपका टू बचता, तो आपका 2/7 इसका राइट आंसर हो जाता। समझ गए, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस 7 से डिवाइड कर देना और उसका निकाल देना, तो आपका 1/7 होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1/7 क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए होंगे आपने, आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे मुझे पता है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बताते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ठीक है आपका ऑडियो वीडियो क्वालिटी, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब इंटीग्रेशन आ गया भैया, इंटीग्रेशन आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो, हम तो ठोकेंगे सारे क्वेश्चन को, टेंशन ना लो, एक एक क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे उड़ाते हैं। इरेजर कहाँ पे भाई, चलो इसी से मिटा देते, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, देखो देखो क्या दे रखा है 3 में, इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स 1+x² अगर थोड़ा भी जिस बच्चे का बस दिमाग हुआ ना, वो उसको देख के पता चला होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इजी इजी ब्रो इजी, देखो कैसे, देखो कैसे, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक लाइन लिखूंगा आपको समझ में आ गया। देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखते रहना। गुरुजी आपने लिख क्या दिया, अबे भैया मैंने कुछ नहीं किया, -1 + 1 तो एक्स ही बचेगा ना, क्या दिक्कत है, मैं ऐसे लिख दिया। अब लिखने से क्या फायदा हुआ, देखो क्या फायदा हुआ, देखो देखो क्या फायदा हुआ सर, आपको पता चलेगा फायदा क्या है इसमें। लिखने से जो क्या फायदा हुआ वो देखिए, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा, x+1 और 1+x² हो जाएगा और -1/x² हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, यहां पर हो जाएगा क्या, ई के पावर एक्स कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 + x -1/1 + x² हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, अब मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या इंटीग्रेशन f(x) + f'(x) dx = अगर e के पावर x रहे तो क्या होता आपका, e के पावर x f(x) + c। ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, इंपॉर्टेंट है, इसी प्रॉपर्टीज पे बना है क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बना है। तो क्या करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x 1 + x + c, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। e के पावर x 1 इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, तो बस e के पावर x f(x) + c हो जाएगा। उसी तरह यहां पर आंसर जाएगा e के पावर x 1/1 + x। अब देखो ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब भी इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1+x का तो हो जाएगा -1+x² करके देख लो, बहुत सिंपल है, करके देखोगे तो यही आएगा, इसलिए ये आपका फॉर्मेट है और प्रॉपर्टीज है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप लोग को मेहनत करना है बस, और कुछ नहीं करना है, मेहनत करते रहो, हम सब सिखा देंगे, टेंशन ना लो, मेहनत करते रहो, हम सब सिखा देंगे और आपके जिगर में उतार देंगे। देखो अब आगे देखो, अब आगे देखो, इरेजर कहाँ चला गया भाई, वही तो मिल नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो जा, अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटीग्रेशन cos 2x cos²x sin²x dx। देखो इतना cos²x है
और साइन स्क्वायर एक्स से पता क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बस छोटे से टैकल करना है, क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपका कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग कर लो क्या हो जाएगा, अलग अलग जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा डीएक्स। अब देखो यहां पर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका क्या बचेगा ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन कॉसेक का माइनस कॉटेक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो बस छोटे छोटे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के, मैंने फुल बेसिक से ले रखे, जाके देख लेना छोटे छोटे तरीके से आपका इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन को धुआं काट रहा हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज इसके होते हैं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कुछ नहीं करना, देखो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना, लिखना टू आई और जिसके ऊपर पावर दे रखा पाई बाई टू, बस आई इज इक्वल टू क्या लिख देना पाई बाई फोर, इसका क्या हो जाएगा पाई बाई फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले लिखना टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू और आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। अब ये कैसे हुआ वो देख लो, थोड़ा सा देख लो यहां पर, देखो यहां पर अब इसको अगर रेशनलाइज करोगे पाई बाई टू से चेंज करोगे तो दोनों कट जाता है, जिसके वजह से एक आई आई मिलकर टू आई बन जाता है, ठीक है ना, टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू तो आई इज टू पाई बाई फोर, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीधा टू आई इजिकल टू पाई बाई टू लिख देना, चाहे पाई बाई टू को सीधा पाई बाई फोर लिख सकते हो, ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ लेना। अगर नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर इसके तहलके ट्रिक्स के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो फिर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर दे और सपोर्ट किया करो, पूरा फुल मेहनत कर रहा हूं आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताना, फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।